नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीय और लंदन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों द्वारा भव्य रंगारंग स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी, जौनसारी लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद प्रवासी उत्तराखंडियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही योग अध्यात्मिक की भी भूमि है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिति की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि लंदन में उत्तराखंड के लोगों की इतनी बड़ी भारी संख्या में उपस्थिति देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यूके में भी उत्तराखंड का छोटा यूके बसता है। साथ ही समस्त प्रवासी उत्तराखंडियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे साल में एक बार अपने प्रदेश उत्तराखंड जरूर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है और आज विदेशों में भी श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के निवासी और प्रवासी भारतीय मौजूद रहे। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।